मरीजों से बात की आपने, किस तरह के मरीज ज्यादातर मिले आपको? देखिए ज्यादातर जो है वो ओल्ड एज के लोग हैं, वो अभी मैं ज्यादातर देखा। ये उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री हैं और बलिया से विधायक भी, उसी बलिया से जहां आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दिनों में 57 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन मंत्री जी के मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। सुनिए। तो 70 प्लस जो है हमारे बुजुर्ग लोग हैं और उनको ज्यादा थोड़ा प्रभावित हुए हैं, तो इसलिए उनको ज्यादा जरूरत है। बलिया में इन दिनों अस्पताल में भीड़ है, कोई सीने में दर्द की शिकायत कर रहा है तो कोई सांस लेने में दिक्कत होने की समस्या बता रहा है। और अस्पताल का क्या हाल है आप खुद सुनिए मरीज के परिजनों से। मैं यहाँ पे आया, मेरे मित्र के ये पिताजी थे, उनकी एज 70-80 के आसपास है, तो उनको लू लग गया है, तो उनको यहाँ पे आपातकालीन जो भवन है अस्पताल का वहाँ पे लेके आया हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे कुछ नहीं, प्राथमिक उपचार दे के ये भर्ती किया गया है, ये पानी में चढ़ रहा है, पर जो अस्पताल की स्थिति है बहुत दयनीय है। कैसे, किस तरह? अब हम लोग खुद जा रहे हैं तो ये पसीना पसीना हो जा रहा है, जो पंखा चला उसका ये कुछ असर ही नहीं हो रहा है, यहाँ की जो व्यवस्था है ना सबसे गड़बड़ है। लेकिन मंत्री जी इसमें कुछ नया नहीं देख पा रहे और इसी को लेकर अब विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार को आड़े हाथ लिया। प्रियंका गांधी लिखती हैं, यूपी के अलग अलग जिलों में भीषण गर्मी और लू के चलते 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, अकेले बलिया जिसमें 50 से अधिक मौत हो चुकी है। इससे पता चलता है कि तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद प्रदेश में गर्मी और लू की मार से निपटने के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार से मांग करती हूँ कि सभी पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चकाचौंध की जाए। बलिया के CMO डॉक्टर जयंत कुमार के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 178 मरीज अस्पताल पहुंचे, पिछले 24 घंटे में ही 14 मरीजों की जान जा चुकी है। इसके लिए जांच टीम आई हुई है और वो जांच कर रही है। हमारे 2 डायरेक्टर आए हुए हैं जो कि इस समय कल जिला अस्पताल में देखे थे, पूरी इमरजेंसी से लेकर के पूरा वार्ड और पूरा हॉस्पिटल देखा उन्होंने, मरीजों को देखा है, बातचीत की है। अब पानी के सैंपल्स और उनके ब्लड यूरिन पूरी सैंपल जो है भेजी जा रही है जांच के लिए, और हमारी जांच टीम आई हुई है जिले साथ में, जो है जिन क्षेत्रों से मरीज ज़्यादा आए हैं वहाँ भी हमारी टीम गई हुई है जांच टीम, और निश्चित रूप से वो रिपोर्ट देगी, वही स्थिति तब ही स्थिति क्लियर होगी। मामला बढ़ा तो दयाशंकर सिंह खुद मरीजों को देखने अस्पताल पहुंचे। योगी सरकार भी बलिया को लेकर एक्शन मोड में आई। डिप्यूटी CM ब्रजेश पाठक अब खुद पूरे मामले पर निगरानी बरते हुए हैं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयां उपलब्ध हैं, किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। बलिया में हो रही मौतों पर और मंत्री जी के बयान पर आपकी क्या राय है आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपके लिए लाए थे मेरे साथी भानु झा, मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।